नमस्कार, 3NP वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का। आइए आपको बताते हैं बिहार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें बिहार नॉनस्टॉप में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली तथा निश्चय संवाद रैली के माध्यम से राज्य लोगों को किया संबोधित, अपने 15 साल के उपलब्धियों को गिनाया। नीतीश की वर्चुअल रैली से विधानसभा क्षेत्र के लोगों में उत्साह। दरभंगा के हायाघाट विधानसभा के नेता रविंद्र यादव ने किया दावा, नीतीश के 15 सालों के कार्यकाल को बताया बेमिसाल। दरभंगा नगर युवा की ओर से टावर चौक पर आयोजित की गई वर्चुअल रैली निश्चय संवाद का किया गया प्रसारण। जेडीयू नेता रिजवान आजाद ने किया दावा, वर्चुअल रैली सह निश्चय संवाद रैली रहा सफल। जन जन तक पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए 15 साल की कार्यों की जानकारी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परमादरणीय श्री नीतीश कुमार जी का आज वर्चुअल रैली है। उस रैली को सुनने के लिए हम सभी युवा दरभंगा टावर पे उपस्थित हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री परमादरणीय श्री नीतीश कुमार जी जो संबोधन कर रहे हैं वर्चुअल रैली के माध्यम से, उस रैली से हम सभी युवाओं का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। दरभंगा टावर पर युवा जदयू नगर के तरफ से और युवा जदयू के सारे कार्यकर्ता और सारे लोग संवाद सुनने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का संवाद सुनने के लिए जो जन संवाद का आज आयोजन किया गया, उसका लाभ लेने के लिए और संवाद को सुन सुन कर जन जन तक पहुंचाने के लिए आज सारे कार्यकर्ता दरभंगा टावर पर जुटे हुए हैं और टीवी के माध्यम से और प्रोजेक्टर के माध्यम से उनके संवाद को सब लोग सुन रहे हैं। पुर के दिघरा में पीड़ित राजपा अध्यक्ष ने सरकार की विधि व्यवस्था व कार्य शैली पर उठाए सवाल। जिले के सदर थाना अंतर्गत दिघरा में हुई डकैती और अपहरण कांड के पीड़ित से मिलकर राष्ट्रीय जनजन पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने दी संतावना। मुजफ्फरपुर थाना के सिविल लाइन क्षेत्र के प्रकाश चौक पर आज क्रांति सेना ने फिल्म अभिनेत्री कंगना राउत बयान पर फूंका। शिवसेना नेता संजय राउत का पुतला विरोध में लगाए नारे। आज क्रांति सेना के नेताओं ने संजय राउत शिवसेना नेता संजय राउत का पुतला बयान किया है क्योंकि उन्होंने शिवसेना की गरिमाओं को ठेस पहुंचाते हुए एक अभिनेत्री कंगना रावत को धमकी दिया से महाराष्ट्र में नहीं घुसने दिया जाएगा, जबकि कंगना रावत ने फिल्म इंडस्ट्रीज में फैली गंदगी और फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में जो इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा जो भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, जो लव जिहाद फैलाया जा रहा है, उसका खुलासा किया है कंगना रावत ने। कहीं ना कहीं शिवसेना अपना मार्ग भूल चुकी है क्योंकि शिवसेना पहले बहन बेटियों के सम्मान में लड़ाई लड़ती थी और अब शिवसेना ही बहन बेटियों को धमकी दे रही है। अतः इसलिए क्रांति सेना ने शिवसेना नेता संजय राउत का पुतला दहन किया है। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के बैंकर्स कॉलोनी पीएनटी रोड मिठनपुरा के मुख्य द्वार पर स्थानीय लोगों ने बैनर लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। लिखा, रोड नहीं तो वोट नहीं, निवर्तमान विधायक सह नगर आवास मंत्री की बड़ी मुश्किल। सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड क्षेत्र के यमुना बराही निवासी की राजस्थान में हुए सड़क हादसे में मौत की खबर सुनते परिवार में मचा कोहराम। निखिल कुमार चौधरी बताया गया मृतक का नाम, भारतीय आर्मी में कार्यरत था युवक। बखा में जेडीयू कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, वर्चुअल रैली के माध्यम से पार्टियों ने वोटरों को किया गोल, बंद करने की शुरू कवायद। कोरोना संक्रमण की वजह से मचा सीन, रैली की बजाय वर्चुअल रैली के मार्फत आम जनता के बीच पार्टी आला कमान रख रहे अपनी बात। कटिहार के डंडखोरा में मानवता को शर्मसार करने घटना, प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने रात भर बांध कर पीटा, पंचायत का फैसला दोनों को सर मुड़वा कर छोड़ दो। खबर नॉनस्टॉप में फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए 3N न्यूज नेटवर्क के साथ।